अपनी बात को यही विराम देते हुए, क्यों जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है? क्यों जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है? पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जय हिंद, जय बीजीएम, जय भारत। तो दोस्तों, हम इस क्रम पे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के मैं बुलाना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के जितने भी आज तक 250-300 लीड बड़े बड़े डायमंड बने हैं। मैंने कल कहा था ना, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सैकड़ों लोगों को करोड़पति बना दिया, लोग खुद ही बनने के पीछे घूमते रहते हैं, वो बना रहे हैं। सही है। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आएंगी जिन्होंने सैकड़ों लोगों को करोड़पति बनाया, और कल भी मैंने उनके लिए वही बात कही थी और आज फिर मैं रिपीट करूंगा वही बात कि उनका लगातार एक ही कहना है दम, है जोश, है जुनून, जगाने वाला चाहिए। है दम, है जोश, है जुनून, जगाने वाला चाहिए, और पैसा तो बिखरा पड़ा है रोड पे, उठाने वाला चाहिए। हाँ, जो करते हैं नमस्कार, उनके घर में आती है, उनके घर में आती है चमचमाती कार, 800 नहीं। हाँ, आर यू रेडी? तैयार हैं? उन्होंने कहा वही करना है। हड़ा साहब ने आपको कहा पैसे तो बिखरे पड़े हैं, आप लेना चाहते हैं? देखो मित्रों, बहुत सारा मनोरंजन कल से लेकर आज तक हमने किया है, ये पार्ट जो स्टार्ट होने वाला है ये सबसे सीरियस पार्ट है, सीखने की जो कला है। आपको लगता है क्या होता होगा जब आप किसी वकील के पास जाएं और वो आपका केस लड़े और जिंदगी में उसने कभी वकालत ही नहीं की, क्या करेगा वकील? आप जीतोगे या हारोगे? पक्का। वो डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है जिसने कभी जिंदगी में ऑपरेशन करना सीखा ही नहीं, कितना मजा आएगा ऑपरेशन कराने में? मजा आएगा? हाँ, मरना पड़ेगा। उस टीचर के पास पढ़ने जाएंगे जिसने जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की। अभी हमारी स्थिति ऐसी है, ये जो इंडस्ट्री है इसकी एक खासियत है, इस इंडस्ट्री में पहले पदार्पण होता है, बाद में सिखाया जाता है। बस दिक्कत क्या है, लोग बाग ये गलती कर देते हैं। बिहार का था, किसी ने प्लान दिखाया आपको 2 करोड़ 1.5 करोड़, और कोई चीज याद रहती होगी? नहीं रहती होगी, मुझे नहीं पता। बाकी 1.5 करोड़ केवल 2 साल, वो लगता को मानता था मेरे पास तो आ गए हैं, और जाते ही 10-15 लोगों को कहते तो भैया मतलब करोड़पति, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। और वो थोड़ा सा कोई बात कर लेता है, अटीना बैठ, एक यान की कंपनियां वो जाओ, सुबह आवे शाम का जावे, 2 महीना में जावे, 3 महीना में जावे, वो मर गो, वो डूब गो, वो बर्बाद हो गो, वो हो गो। पर हाँ यार, बात तो सही है, शाम को फैसला होता कि ये 1.5 करोड़ नहीं लूंगा, और इतना ही फैसला नहीं होता साहब, फैसला ये होता है कि मैं खुद तो नहीं लूंगा और अड़ोस पड़ोस वालों को भी नहीं लेने दूंगा। कोई गलती से बेचारा भाई अलग से कंपनी लेके आ गया ना, उसको कहते रो 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 रुक। अगर बलारका की हाँ, अरे मैं ज्वाइन कर छोड़ दिया। क्यों भाई ज्वाइन करके क्यों छोड़ दिया? चला ही उन्हें, समझ गए ना क्यों होता है। और हम भी गलती करते हैं, राय उससे लेते हैं जिनको पता ही नहीं है, राय किससे लेनी चाहिए? एक स्टेशन मार साहब है, वहां जाके पूछे साहब फलाने सवाल का जवाब क्या है, तो स्टेशन मास्टर साहब बताएंगे? कौन से मार साहब बताएंगे? हाँ, मास्टर तो सभी होते हैं, हमारे यहाँ फैक्ट्री में भी काम करते हैं उन्हीं को मास्टर कहते हैं, है ना। अब वो फैक्ट्री वाले मार साहब के पास जाओगे, मार साहब दोपहर वाली ट्रेन कितना बजे आई, कट जाएगी, कि 1 सिक्के की 2 ट्रेन नहीं होती है, 1 रुपए की 10 कहां से ला के देगा?
ख्याल में कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला सवाल है कि हम किससे पूछें, किससे राय लें। यहां से आपकी शुरुआत हो रही है, यहां से आज आपका पहला कदम है। अब आप यहां से सफलता की ओर जाने वाले हैं, जीरो से हीरो की ओर जाने वाले हैं। ऐसे नहीं जाएंगे, उसके लिए आपको पता है लेकिन ऐसे नहीं सीखा जाता है। इस नेटवर्क में गाड़ी के हैंडल पे बैठे ही कल से गाड़ी चलाने लग गए। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, स्टीयरिंग में बैठे चालू, कभी उल्टा गियर लगा रहे हैं, कभी उल्टा गियर लगा रहे हैं, इतनी अब गाड़ी खराब है। हाँ तो क्या स्टार्ट ही नहीं हो रही, तो चाबी किधर लगा रहा है? चाबी काहे की लगा रहा है? 100 लोग भेड़ा करते होंगे एक ही दिन में, तो आओ जी की बात करो। अरे 100 लोग इकट्ठे कर सकते हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन मुझे ये बताओ आपने 100 को प्लान दिखाया और 100 के 100 ही तैयार हो गए, है ना? ऊपर किसके रखोगे, नीचे किसके रखोगे? अपलाइन कौन होगा, डाउनलाइन कौन होगा? 100 लोग इकट्ठा नहीं करना, फिर वो लड़े थोड़े दिन में खत्म। जोश के साथ में होश जरूरी है, सीखना जरूरी है। तो यहां आज आप तक अपना जो दिमाग आपने काम में लिया ना, प्लीज इसको 2 साल के लिए कोई बैंक के लॉकर में खाता हो तो वहां रख दो। इस सेशन के बाद जो मैं बताता हूं या हारा साहब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लिए तैयार करके लेके आए। आने वाले वक्त में आपको कुछ नहीं करना, अंधा बन जाना, बहरा बन जाना। जो यहां से सीख के जाओ केवल उसको इंप्लीमेंट 100% करना है। गाड़ी चलाने का सिद्धांत मित्र, अलग से कोई सिद्धांत नहीं है। अनपढ़ आदमी गाड़ी चलाएगा तो वही है, और कलेक्टर साहब गाड़ी चलाएंगे तो भी वही है। वही क्लच है, वही एक्सीलेटर है, वही ब्रेक है। अब कलेक्टर साहब ने हिम्मत, कलेक्टर हूं अलग तरह से लगाऊंगा। कोई अलग तरह से लगेगा? आपके लोग तो मैं मारी तारी चलाऊ, पहली पाछे चलाऊ फिर आगे चलाऊ, ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम हमारे जीवन में अक्षर से वैसा ही पालन करते ही नहीं करते। सो दैट्स इस प्लार का बिजनेस में आने वाले वक्त में देखो आपके लिए फायदे की बात यह है कि यहां पर जितने भी लोग हैं सब एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, पहले कई ठोकरें खा चुके हैं, है ना? कई तरह की ठोकरें, कई तरह का नुकसान वो पहले उठा चुके हैं। अब जिंदगी में वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे वापस नुकसान। आप लोग नए हैं लेकिन आपका मैनेजमेंट नया नहीं, और उनको आप इंप्लीमेंट करें। डायरी कल भी इसलिए दी थी, हो सकता है आपने कई चीजें नोट करी नहीं हो, सुना ये जरूरी है कि आप उसको फॉलो करेंगे। आने वाले वक्त में कई हाड़ा, कई अब्दुल समद इस मंच के ऊपर आपके बीच में से निकल कर आने वाले हैं, ये तैयारी आपको करनी है। तब तक करते थे ना मित्रों, हम बिजनेसमैन हैं, यू आप लीडर्स हैं। अब आपको पब्लिक डीलिंग्स में जाना है, जब भी बोले आपके मुख से मिश्री टपकनी चाहिए। बिजनेस अपने आप ग्रो होगा, है ना? ये बिजनेस कहीं भी होता है। आप बस में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, एक महिला पास में खड़ी है, बच्चे को पकड़ रखा है, एक वृद्ध पास में खड़ा है, बच्चे को पकड़ रखा है, बेचारे परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा टल्ला लगते ही सीधी नहीं खड़ी होनी आवे का ही माथे पड़ रही है, ऊपी कौन रहा है, ऐसा कहते नहीं कहते? बुजुर्ग खड़ा है, अरे डोगरा पड़े सरगना है, हाँ अटे खांस रहे मार माथे, ऐसा व्यवहार लोग करते नहीं करते? ऐसा करते हैं। आपने अगर अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया, अगर बुजुर्ग खड़े हैं और आप खड़े हो गए कि भाई साहब बाबा जी पिताजी बैठिए मैं थोड़ी देर खड़ा हो जाता हूं, कुछ बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, थोड़ी देर उनको आराम मिलेगा लेकिन उसके दिल में एक इंप्रेशन जाएगा कि यार ये इंसान कौन था जिसमें इतनी श्रद्धा है, इतनी मिठास है, इसने मुझे अपनी सीट पर बिठा दिया। वो बैठते पूछेगा बेटा कहाँ के हो, किसके बेटे हो? राम फलाना गांव। अच्छा
हमारा पड़ोसी, अरे अरे साहब मैं लड़ गया, ओ मैं जानू साहब कहीं काम करे बेटा, अजी मैं बुलार का करूं, अरे हमारे बेटो भी पालतू है, तू घर आएगी बता दी। आप क्या चाहते हैं, बिजनेस आप तक चल के आए या आप बिजनेस तक चल के जाए? बिजनेस आप तक चल के आए, इसीलिए ये आपको जो ये जो ड्रेस कोड दिया ना, इसका मतलब भी यही है। उसी गाड़ी के अंदर थानेदार साहब खड़े हैं, सादी वर्दी में खड़े हैं, आप हो गए भाई साहब बैठ जाओ, खड़े हो यार, खड़े तो कहीं दिखना, लेकिन वर्दी में खड़ा कोई सिपाही भी है, आप क्या कहोगे? थानेदार जी बैठा था, बैठे आपको पता है कि थाने में कोई काम पड़ने वाला है, काम आएंगे? यस और नो? ड्रेस कोड इसलिए जरूरी है। डॉक्टर का पता कैसे चलता है, अस्पताल में जाते हैं तो भाई उन्होंने एप्रेन पहन रखा है, वकील का क्या, भीड़ के अंदर बहुत सारे घूमते, तो ये ड्रेस कोड आपको पहचान देता है। और इसका मान रखने के लिए हमारे को कैसे बोलना है, आदरणीय शब्द का इस्तेमाल कर, कोई कुछ भी बोले, कारण मुंह में चक्कर, दूसरा काम पांव में चक्कर, पांव में चक्कर, मेहनत करनी पड़ेगी मित्र। कोई भी आके ये कहे कि मेरा अतरा पैसा दे दे, इतना दिन में करोड़पति बन जाई, समझ जाना कि आपको फंसाने के लिए है। डबल देना, डिबल देना, चोबल देना, जबरदस्ती बनाना, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। पिछले 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में मैं हूं, एमवेल स्टार्ट हुई तब से लेके आज तक इस नेटवर्क इंडस्ट्री में ही खड़े हैं। आज के 25 साल पहले जितने भी मूर्ख बनाने आए, आज तक कोई नजर आता है? 25 सालों में अलग अलग तरीके का है धन दुगने करने वाले, आज एक भी है क्या? इसका मतलब क्या है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल एक ही है, और वो क्या है? मेहनत, मेहनत और मेहनत। तो पांव में चक्कर, लेकिन यहां पर एक ध्यान रखना है, ये पुष्कर के बाहर का सीन, इस लोकेशन को जानते हो ना, इधर तो अजमेर है और इधर पुष्कर, इस लोकेशन पर मैं यहां खड़ा हूं। ऐसे किसी स्टेशन के ऊपर एक राहगीर उतरता है, बाहर जाता है, ऑटो वाला मिल जाता है, हाथ रोकता, भाई साहब इधर आना, भाई साहब इधर, क्या वहां भाई साहब मुझे जो है अजमेर जाना है, कितने रुपए लोगे? उसने कहा 200 रुपए। यार 200 रुपए थोड़ी, 5-10 किलोमीटर का मामला है, 100 रुपए ले लो। वो कह भाई साहब नहीं, वहां रहने दे, रहने दे। वो बेचारा अपने दिशा में रवाना हो जाता है, वो देखता कि यार इसके पीछे पीछे मैं भी चल लेता हूँ, दिक्कत क्या है। ऑटो आगे आगे वो पीछे पीछे भागना दौड़ना चालू कर देता है। 10-15 मिनट 20 मिनट बाद में वो रुकता, हाँपता और रुकता, उसके बाद पूछता भाई साहब वहाँ, अरे यार थक गया यार, अब तो मुझे ले लो है, अब कितने लोगे? उसने कहा 400 रुपये। अरे यार भाव बढ़ गया था, हाँ यार मैं क्या इतनी दूर चल लिया, फिर भी गिरा होगा, कोई बात नहीं। फिर ऑटो चालू हो जाता भाई साहब, फिर दौड़ना चालू कर देते। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा दौड़ने के बाद जीभ बाहर आ रही है, सांस पूरा भर गया है, हालत खराब हो रही है, चला नहीं जा रहा है, बारे बारे कर रहा है। ऐसे में वो ऑटो फिर खड़ा हुआ दिखता है, वो जाके हाथ जोड़ता है, बीरा देख अब तो मैं गाड़ी थक गया, अब तो मैंने बिठा ले, अब तो थोड़ी दूर रह गई, कहता पीछा ली वो का 800 रुपये। तुम्हारा दुश्मन है भाई? कोई दुश्मनी तारे मारे? नहीं कोई दुश्मनी नहीं है। तो क्या तू पैसे बढ़ाए क्यों जा रहा है? वो के मेरा बात दरअसल ये है कि तू मेरे पीछे पीछे दौड़ता आ रहा है। जहां से तूने भाव पूछा था ना, वहां से अजमेर 12 किलोमीटर था और अब यहां से 56 किलोमीटर है। जाना किधर था? जाना किधर था? चले गए कितने? हाँ, इसी तरह से लोग कह रहे हैं घड़ी मेहनत करूं। साहब मेहनत था, मानी मेहनत की करो पवन जी, सुबह शाम मेहनत करूं। अरे क्या मेहनत कर रहा है? मेहनत होनी चाहिए इन राइट डायरेक्शन, रॉन्ग डायरेक्शन में कुछ भी करो ना। जाना इधर था, भाग इधर, कितनी ताकत से भागो, कितनी जोर से भागो, कितना उछल कूद के भागो, अजमेर पहुंचोगे नहीं, नहीं। यहां पर आप जो आए हो, ये जो यहां पर आने से लोग कतराते हैं, हम मीटिंग में कहीं पड़े हैं,
मीटिंग क्यों, ट्रेनिंग क्यों गलत फहमी है। 100 लोगों की ट्रेनिंग कोई लेके बैठा है, छोड़ दो। एक दिन की ट्रेनिंग में अगर कोई बुला रहा है तो भाग के आ जाओ, यहां के सीखो, 1,00,000 लोग आपको तैयार मिलेंगे। और नहीं तो आधा पड़ा घर को है ना। तो पहला क्या था, आज से मीठा बोलेंगे सब लोग, मीठा बोलेंगे, बोलिए। कहां से शुरू करेंगे, अपने माता पिता से शुरू करेंगे। कहां से चालू करेंगे, आज से उनके चरण अगर नहीं छूते, अगर आपका सौभाग्य, मेरे तो माता पिता है, अगर आपका सौभाग्य अगर आज से माता पिता है, गुरु के चरण बाद में छूना, पहले किसके चरण छूना है, पक्की बात, पड़ोसी से मीठा बोलना है, आगे होके नमस्कार करना है। मैं तो कह रहा हूं अगर आप ये करना चालू कर दो ना, तो आपका मतलब बिजनेस जो है ना, वो सुबह सुबह आदमी लोटा लेके जाता ना, तब भी बिजनेस कर सकता है। सुबह सुबह लोटा लेके चल जाता आदमी यहां, और कोई रोके तो नहीं रुके है? हाँ, अभी साहब वो मोदी जी की अलग बात है, अभी सुधरे थोड़ी हम, लेकिन मैं कह रहा हूं जो सुधर गए वो बहुत बढ़िया, लेकिन अभी जो भी लोटा लेके बाहर जा रहे हैं, उनके लिए छोटा सा रिस्ट्रिक्शन है, यूं मत जाइए। गांव में कोई बड़ा बूढ़ा मिले तो आते जाते उनको नमस्कार करिए, जो जैसे ही आप निकलोगे 2-4 बार नमस्कार करोगे, वो पूछे थे वो कौन को छोड़ो रहे, दूसरा बार बैठे रहे, अजी तो फलाना जी को, अच्छा हाँ आदमी छोड़ो, बढ़िया खानदान को छोड़ो। एक छोटे से काम से आपने अपने खानदान की नाम रोशन कर दिया। हाँ यार संस्कार ही है भाई, बाप दादा संस्कार दिखा भाई, रामा सामा कर जावे, कौन को रे बिरा फलाना जी को कहीं करे रे बिरा, कहीं मैं बुलाया का करूं, मारा छोरा ना पता ही है ना। तो मीठे विलास, सेकंड पाव में चक्कर, लेकिन चक्कर किधर, सुबह से शाम काम करो, लेकिन काम कैसे करो, स्मार्ट काम करो, राइट डायरेक्शन में काम करो, है ना। आंखों में सपने, थर्ड वन इज आंखों में सपने। बिना ड्रीम के कुछ नहीं है। कल एक फोटो दिखाई थी भिखारी की, बढ़ सकता आराम से आदमी, ना बढ़िया घर चाहिए, ना बढ़िया कार चाहिए, ना बढ़िया बंगला चाहिए, ना महंगाई का प्रभाव पड़ता है, ना बेइज्जती का प्रभाव पड़ता है। हाँ, एक तरफ जिंदगी कौन सी है, जिल्लत भरी। आपके दिमाग में क्या आपका सपना है, आपके सपने हैं क्या, सपने कोई मुझे बताएगा क्या क्या चाहिए, कोई खड़ा होकर बताएगा, आप में से कोई खड़ा होकर मुझे बताया आपका क्या क्या सपना है, एक बार खड़ा होकर कोई लीडर मुझे बताया क्या क्या चाहिए, आपका अच्छा बंगला हो, और आपके पास अच्छी गाड़ी हो, और विदेश की यात्रा हो, और माता पिता की अच्छा सेवा कर सके, और मान हो सम्मान हो, और पूरा देश आपको नेता माने, जय जयकार करे, सलाम करे, यस और नो, ये सपने आप सब देखते हैं ना, गलत है। अगर आप ये सपने देख रहे हो तो गलत है मित्र। आज से सपने देखने की नई परिभाषा बता रहा, ये सारे सपने देखिए, कौन से, ये सारे सपने देखिए, लेकिन अपनी डाउनलाइन के लिए। जिन लोगों को लेके आप आ रहे हैं, उसके पास गाड़ी हो, उसके पास बंगला हो, उसके पास पैसा हो, उसको आगे निहाल करो, दो लोगों को निहाल कर दो, तुम्हारी जिंदगी में आप अपने आप ही निहाल। जब जब भी किसी लीडर्स ने खुद के लिए काम किया है, वो हमेशा फेल हुआ है, हमेशा बर्बाद हुआ है। सक्सेस कौन हुआ है, जिसने हमेशा अपन जिनको साथ लेके आया है, उनके दुख सुख में साथ हुआ है, इतनी मेहनत करिए कि उसके घर में पैसा आया है, और थारी एक लेने पर मैं काम कर लूं। अगर किस एटीट्यूड के साथ कोई आता है,
और साहब तुमने एक लैंड दे दी ना दूसरी लैंड का मुझे मान लिया मार के ना ज्वाइनिंग का पैसा होना थे लगा दिया बिजनेस करने आ रहे हो यार खुद का बिजनेस करने आए हो कल इतना बताया कि सपना किसका अपना परेशानी किसकी माँ बाप दुखी किसके पत्नी दुखी किसकी बच्चे परेशान किसके अपने साथ घोर परेशानी है उसको दूर कौन करेगा और ज्वाइनिंग कौन लगाएगा इस मीटिंग में आने के लिए भी किसी ने सौदा करी हो कहने का मतलब ये है कि सपने किसके अपने जोर कौन लगाएगा लेकिन ये सब किसके लिए कर रहे हैं अपने डाउनलाइन के लिए तो मुंह में शक्कर पांव में चक्कर आंखों में सपने सीने में तूफान कुछ कर गुजरने के लिए एक उठाया गया आपका कदम सबसे इंपॉर्टेंट मैटर आज का कौन सा कदम ये जो प्रयास आपने किया है 100% आप कामयाब होंगे ये कदम कैसा होना चाहिए रामायण काल के इतिहास के अंदर मैंने पढ़ा है एक कदम उठाया था अंगद ने आज भी उसकी मिसाल दी जाती है कौन सा कदम अंगद का कदम महाशक्तिशाली रावण सामने विराजमान एक छोटा सा मामूली वानर सामने खम ठोक के खड़ा हो जाता है कि तू तो बस पग उठा बता दे बाकी मान जाऊ तेरे वो अंगद का पांव अगर बलारका में आए हैं और आपने ये डिसीजन लिया है तो 2 साल से 3 साल जो भी समय लगता है वो जो हवाई जहाज चढ़ता ना ऊपर ऊंचाइयों पर उसको भी 5 किलोमीटर पहले दौड़ लगानी पड़ती है यहां उड़ जाएगी है ना अब उस दौड़ के टाइम में अगर आदमी अगर रुक जाए तो कभी ऊपर उठ पाएगा क्या ये आपका उठने का दौर है ये संघर्ष का दौर है ये रेस है इसको करना ही पड़ेगा अगर आप ये दौड़ोगे तो ही उपाय पे जाओगे अगर ये नहीं दौड़ोगे तो कभी जिंदगी में नहीं जाओगे लेकिन जैसे डिसीजन लेते हो जैसे आप आगे जाना चाहते हो कई दुश्मन पैदा हो जाते हैं जिसका कोई रिश्ता रिलेशन नहीं है ना वो भी आ जाए आजकल तो डायमंड बनवा जा रहे थे अरे आओ डायमंड साहब आओ कुर्सी देते खड़े हो जाओ डायमंड आ गया वहां का बता आओ भाई बेटा हाल ही चाल रही है अरे एक दिन चट्टी के अंदर धीर भाई अंबानी भी घूमता था है ना एक दिन चट्टी के अंदर बिल क्लिंटन भी घूमता था दुनिया की ऐसा कोई बड़ा आदमी बताओ जो बड़ा आदमी पैदा हो अरे बड़ा आदमी पैदा हुआ क्या कभी पैदा क्या हुआ हमेशा पैदा हाँ तो एक दिन पवन जी भी कोई थे लेकिन आप देखिए मैंने जिंदगी में देखा है कि आपके लिए कितना खुशहाली का मौका है आज तक जितने भी डायरेक्टर बनते हैं वो 60 साल के बाद और 65 साल में चले जाते हैं लोग रोते रह जाते हैं आपके डायनेमिक एकदम यंग डायनेमिक जो सीख के आपके साथ आए हैं इस उम्र में उन्होंने डिसीजन लिया है इतना लंबा साथ आपके साथ रोग रोकेंगे आपको विभिन्न तरीके से ऐसा आता है जाता है लेकिन या तो बलहरका में मत आओ कोई दिक्कत नहीं है आप नहीं आओगे तो भी दुनिया का कोई काम रुकने वाला नहीं है ये कारवा तो चलेगा कई लोग आएंगे या तो बताओ और अगर आए हो तो ये जो मंच आपको कह रहा है इसको 2 साल हिम्मत के साथ कर लो मैंने पहले अनुभव किया है जब हमने पहले इसी तरह से कारवां स्टार्ट किया था हमारे साथ कोई अंगूठा टेरे हमारे साथ में कोई दूध की डेयरी वाला हमारे साथ में कोई किसान तगारी डालने वाला हमारे साथ के अंदर कई साधारण से लोग आए लेकिन 1-2 साल में वो चमत्कार हुआ कि जिस झोपड़े में रहते थे उसकी जगह सबके बिल्डिंगें खड़ी हो वो अंगूठा टेक आप तो बहुत बड़े हुए हो पंचलाल जी तो चट्टी पास है कई ऐसे लोग जो अंगूठा टेक थे 7 साल पर बाद उनकी इनकम हमारे जिले के कलेक्टर से ज्यादा थी नतीजा किसका था वो आए और टिके रहे बड़ी बड़ी कंपनी वाले आए
बड़े बड़े झांसा देने वाले हैं, बड़े बड़े कहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी जो उनके सीनियर लीडर्स ने बताया, उसको सुना और गुना। थोड़े दिन में उनका जिंदगी परिवर्तन हो गया। आप तैयार हैं? आर यू रेडी? पहला पॉइंट मुंह में शक्ति है, याद हो गया ना? दूसरा पॉइंट याद हो गया? थर्ड वन इज काय के अपने दिल को लेके आते कमिटमेंट के साथ, उसकी दूसरी लेग है कि तीसरी लेग है कि नहीं सोचना, अपने को काम करना है। आप किसी की एक लेग हो गए साहब तो घर बैठे रहे, मैं की दौड़ी लेना में जाऊंगी। आने वाले टाइम में आप क्या बनने वाले हो? बड़े आदमी बनने वाले हो। अपने विचारों को आज से बड़ा करें। जितना ज्यादा उसके पैसा आता करो ना, आपके फर्क पड़ जाएगा क्या? अगर नीचे से किसी के भी बिना काम करके बहुत सारा पैसा जाएगा तो पवन जी आपके चेक में से कुछ काटने वाले हैं क्या? थोड़ा नीचे वाला ज्यादा लेवल आ गया तंग बंदा, ऐसा कोई पैरामीटर है क्या साहब? ऐसा कोई जब पैरामीटर है ही नहीं तो उसके बारे में सोचना क्यों? तो आंखों में सपने अपनों के लिए, अपनों को न्याल करने के लिए। मेरे डाउनलाइन के घर में कार हो, मेरे डाउनलाइन के घर में बंगला हो, मेरा डाउनलाइन सफल हो, मेरा डाउनलाइन आगे बढ़े, इसके घर में कोई पैसा नहीं है, तेरे को टाइम नहीं है, चिंता मत कर, मैं 10 लोगों से मिलकर आता हूँ, मैं 10 लोगों की ज्वाइन कराता हूँ, मैं 10 लोगों के लिए काम करता हूँ, मैं प्रोडक्ट लेके आता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, तेरे को साथ लगे आगे बढ़ता हूँ। देखिए कई लोग आपको जैसे वो मुझे परम मानते, आपको परम मानने के लिए तैयार बैठे। मुंह में शक्कर, पांव में शक्कर, सीने में तूफान, आंखों में सपने और सीने में कोई कुछ भी कहे, मैं आप आपको कहता हूं 2016 की गाइडलाइन बन चुकी है, उसके कौन से नियम पालना करनी है वो 100% पिलार का आज पालना कर रही है। 100 साल कहीं जाने नहीं। लीगल पे आउट, लीगल प्रोडक्ट, लीगल पर्सनालिटीज, इस कारवां को हमारे को बड़ा करना है। आज ये सब सोचते हैं जो आपके लिए बड़ा होने के लिए जरूरी है। अब हर चीज आपके लिए सोच रहे हैं, इनको जो करना था कर दिया। अब कई लोग जो बाहर से आपको सिक्के के चार पहलू करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए सावधान रहे। कौन सा पैर रखना हमारे को? अंगद वाला। आप सब अंगद हैं? कई रावण आएंगे, कई रावण आएंगे, लेकिन श्री राम की सेना के सामने हार के जाएंगे। मुंह में शक्कर, पांव में शक्कर, आंखों में सपने, सीने में और दिमाग में सिस्टम की ताकत क्या है? अभी अगले वक्ता के तौर पे हाड़ा साहब वो सिस्टम आपके सामने लेके आए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना। देखो जिंदगी के लिए पहली बात मैंने आपको बताई है कि राय उसकी लें जो उस सेगमेंट का जानकार है। हाड़ा साहब जानते हैं, पवन जी जानते हैं, हनी जी जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं, मैं जानता हूं कि बिजनेस कैसे होता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब लीगल करना चाहिए तो लीगल बता दूंगा, और आपको इलीगल करना तो मेरे पास है ना बहुत सारे धंधे हैं। हाँ कोई कोई जी मतलब पैसा लेट आवा जल्दी छाव है। अपने चार पांच भाई बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान में, और थोड़ा बाड़मेर की जो बॉर्डर है उस पर अच्छा अच्छा सामान बेचते रहते हैं, तो जिसको भी चाहिए तो अपन तो जल्दी पैसा बना लें तो अपन तो वहां भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दाऊद भाई, हाफिज भाई, बहुत सारे भाई हैं जो थोड़ा अच्छा पैसा देते हैं, तो जिसको जल्दी पैसा चाहिए जाके लेके आ जाए। सब हमें जागृत होना है, सही और गलत के बारे में जानकारी रखनी है। तो दिमाग में क्या लेके आना है? दिमाग में क्या चाहिए? सिस्टम की ताकत। दिमाग में सिस्टम की नजरिए का फर्क है मित्रों, क्या फर्क है? दृष्टिकोण का। कामयाबी और नाकामयाबी के बीच में अंतर क्या है? आपके नजरिए का। देखो कई कविता आपने सुनी होगी, एक कविता मैं आपको सुनाता हूं, दृष्टिकोण देता हूं। क्या देता हूं? एक दृष्टिकोण। आज उस कविता को मेरे नजरिए से पढ़िए। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार, ये बात आप जानते हैं ना, तो हार तो कहां होगी? इंपैक्टेड है। लोगों ने कहा है सक्सेस इज गारंटेड, सक्सेस इज गारंटेड,
सक्सेस की गारंटी है, फेल्योर इज योर चॉइस। वही हिंदी में कविता है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक कवि को पता है कि हमारा एटीट्यूड क्या, कितने निकम्मे हम लोग। कवि को क्या पता था हमारा एटीट्यूड पता था कि हम कितने निकम्मे हैं। उसने आगे लिखा, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है। प्रेरणा किसके लिए दी है? हमारे लिए। उदाहरण किसके लिए दिया है? देखो शर्म करो थोड़ा। डूमड़ा के आदमी को उसी वक्त, जिस वक्त लेखक के दिमाग के अंदर ये कल्पना आई, इंसान को उसी वक्त ही डूब के मर जाना चाहिए था। लेकिन नगते है ना, मरे नहीं। क्या कहा उसने? नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है ना। अपलाइन होता है ना, डाउनलाइन होता है। कोई डाउनलाइन अपलाइन होता है क्या? अरे 3 बार पढ़ के देखो, खुद ले जावे चलो चले के लेके जान्याल करी, खुद के लेर लेर जाऊं दाना। ऐसा कहती है चींटी, कर्म लिखा के लेके आई है आपके लिए। एक नन्ना सा जानवर जब पैर लगते खत्म हो जाता है, फूंक से उड़ जाता है, लेकिन अपनी कार्यशैली के बल पे वो कवि की जुबान पर चढ़ के बोल रही है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, इसीलिए गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अखड़ता। ये परेशानी कब आती है? जब आप पराश्रित होते हैं, हैं? सपने हमारे, माँ बाप हमारे, परेशानियां हमारी, लेकिन कोई आएगा, गाड़ी में बिठाएगा, प्लान कराएगा, बिजनेस कर ले। कोई आवे ही कौन? ओ मारो प्लान तो मरेड़ो ही है, कोई पूछा ही कौन? इसी में बैठे रहते। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, एक बार उसको पता है कि मुझे दाना मेरे परिवार के लिए लेकर जाना है। ये काम किसके लिए करा है? अपने परिवार के लिए। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, हम घर से नहीं निकलते बाहर। कोई आएगा, गाड़ी में बिठाएगा, फार्म लाएगा, फार्म भराएगा, फार्म डलवाएगा, रोटी खिलाएगा, काम कर ले। चींटी से गया पिता उदाहरण दिया है। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। आपके कौन विश्वास भरेगा? जो प्रण आप मन में लोगे, जो विश्वास अंदर से ठानोगे कि मैं गरीब पैदा हुआ हूं, लेकिन आज एक मौका मिला है, आने वाले टाइम में इस मौके को भुनाऊंगा, जिंदगी में कभी गरीब नहीं मरूंगा। उसका रिजल्ट देखिए, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, इसीलिए गिरकर चढ़ना, चढ़ के गिरना नहीं अकड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो उसमें लिखा है कि क्या लिखा है? कोशिश करने वालों की। लेकिन मैंने थोड़ा सा कोशिश को हटा दिया, मैंने कोशिश की जगह क्या लगा दिया? मेहनत। देखो मैं इस माइक को फेंकने की कोशिश करता हूं, कोशिश करता हूं। आप यहां आने की कोशिश करते हो, आप जयपुर जाने की कोशिश करते हो, आप दिल्ली में जाने की कोशिश करते हो। कोशिश करने से कभी कोई पहुंचता? एक्शन लेना पड़ता है, तो एक्शन मेहनत है। एक्शन क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर पहुंचती है। आप जैसे बड़े बड़े राक्षस, उसके लिए तो अपन राक्षस ही है, उसके पैरों तले से निकल के जाती है। आंधी तूफान बरसात तो झेलती है, लेकिन डरती नहीं है। अपने बच्चों को खाना किसका उदाहरण दिया हमारे लिए? क्या हम उसके जैसे हैं? उसके जैसे बनना है। एक चींटी जब ऐसा कर सकती है, हम नहीं कर सकते? यस
डायमंड बन सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं। अगर मैं तगारी भरी हीरा लिया करोड़पति बनेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। उसको पता है कि अंदर जाऊंगा मुठिया भर भर के, तगारी भर भर के रेत लेके आऊंगा, लेकिन उसके अंदर सहजी मोती नहीं मिलते। मिलते नहीं है सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ती है दूनी शक्ति इसी हैरानी में। उसको पता है 10 बार डाल घंटा लगाना है, 15-20 बार जाऊं तो एक बार आई, ये पहले से ही पता है ना, इसलिए वो बार बार जाता रहता है, हिम्मत नहीं हारता है, पहले से पता है। आप लोगों को पहले से पता है, 10 लोगों से मिलोगे, 50 लोगों से मिलोगे, 100 लोगों से मिलोगे, हो सकता है कोई करे या कोई नहीं करे। ये सेलिंग का सिद्धांत है। वो जो पेन बेचने जाता है ना, पेन बेचने जाता है, उस पेन बेचने वाले को पता है सबके पास पेन है, और वो कहे मैं पेन बेचूंगा गिल बावड़ो, पेन को ले रहे कोई दूसरे धंधों कर, लेकिन कोई पेन बेचता ना, वो पेन बेचने के लिए उसको सिखाया जाता है भाई तू पेन ले ले, बस स्टैंड के पास खड़ा हो जा और लोगों को बोलना पेन पेन पेन। जब तू 50 लोगों को बोलेगा तो 1 लोग हाँ करेगा, है ना। अब वो उसको कोई मतलब नहीं है भाई, हाँ मेरे को तो बेचना है। वो आते के भाई साहब पेन, वो कहा नहीं भैया तो वेरी गुड, या नानी मर जाती है। एक आदमी ने मना करा लो साहब, फलान जी आदमी बड़ा जोरदार है, बिना अगर जोड़ दो ना मजा आ जाए, एक कहानी के चल जाए और खट भाग उन बड़े पड़ोसी के पास जाके और उनको भा 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 बैठे ढक ढक फोन करना करो यार अब कोई आवेगी, अब बुलार का नहीं चलेगी, अब दुनिया में कोई पेन नहीं लेगा। नहीं उसको कहता नहीं, वो कहता वेरी गुड 49 को कहना भाई जा, अब 48 को कहना, अब 30 को कहना, अब 25 को कहना, थोड़ी देर बाद वो कहता अड़ी ना अड़ी ना, हाँ क्या लेके आया। वो देखता यार ऑफिस जा रहा हूँ पेन नहीं है, ओ भाई साहब इधर आना, क्या हुआ पेन देना कितने के लिए, कहता 10 के 2, रोज तो 3 के मिलते, कोई भाई साहब पूरी करा दो, बिक गया 25 को क्या 26 ने ले लिया, अब क्या करना है, अब बेचने के लिए क्या करना है, अब क्या करना है, वापस 50 को कहना है। तो अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो क्या करना है, लोग मना करेंगे, लोग मना करेंगे, लोग भाव खाएंगे मना करेंगे। लेकिन वो डायमंड नहीं है, जो भी बोलता है नो, नो का मतलब नेक्स्ट वन। तू जिसको डायमंड बनाने आया है, तू जिसको करोड़पति बनाने आया है, तू जिसको निहाल करने आया है, तू जिसको भगवान बनाने आया है, वो करमकुटा मैं नहीं हूं, नो दूसरे के पास। समझ गए ना, वो मैं नहीं हूं, मेरे तकदीर फूटने वाले हैं, इसलिए वो क्या कहता है नो। जिन जिन लोगों के पास, आपको क्या लगता है अनिल जी होते पवन जी किसी और के पास नहीं थे हमने, लेकिन वो ऐसे लोग जो आज काले कोट पहन के आगे खड़े हैं, जिन्होंने पहले हाँ करी आज 10 लाख भी उसके घर में आए हैं, जिसने मना करा होगा वो अभी भी बेल की पूछड़ी मरोड़ रहा होगा, है ना। गोता सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर बार बार खा लिया लौट आता है, क्यों, मिलते नहीं है सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ती है दूनी ताकत इसी हैरानी में, लेकिन मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार। असफलता एक चुनौती है, क्या करना है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों को भी मस्करों के बातें हैं, चले कौन है आवे कौन है, कामयाबी नहीं मिलती है, पैसा नहीं आता है, उसके लिए कवि ने लिखा है कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल नहीं हो जाते नींद चैन की त्यागो तुम, जब तक सफल नहीं हो जाते क्या करना है, 10 बजे सो के उठ रहे हैं, 2 बजे तक खाना खा रहे हैं, 5 बजे तक पाचा गप्पा मार रहे हैं, 8 बजे तक पाचा कर घुस गया, ब्लार का प्लान पूरे 30 दिन में एक बार नहीं दिखाया, चाले जब तक सफल नहीं हो जाते नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान
यूं ही छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि ये जो सफलताएं, ये जो जय जयकार, ये जो तालियां, ये जो माला, ये जो गाड़ी, सन 2004 एक गरीब आदमी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन आपके जैसे मैं भी एक मीटिंग में बैठा, एक इरादा किया। सन 2006 कब आया मुझे पता नहीं, सन 2006 में मेरे पास में बंगला भी था, गाड़ी भी थी, पैसा भी था, शोहरत भी था, हर चीज थी। एक डिटर्मिनेशन, ये सब आपके पास होगा, लेकिन तब संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ करे ही जय जयकार नहीं होती, लेकिन मेहनत करने वालों की कभी हार। क्या मेहनत करनी है, किस तरह से करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, दिमाग को खाली कर लो। दिमाग में पहली जितनी भी बातें आपने बिठा रखी है उसको खाली कर लो। उससे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सोचना बंद कर दो। उस बिल्कुल खाली गिलास की तरह, भरे हुए गिलास में कुछ भरना मुमकिन है क्या? उस खाली गिलास की तरह यहां बैठो। इसको इंपैक्ट परफेक्ट तरीके से, सिस्टम कैसे काम करता है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके लिए एक बार फिर कृतार्थ कर रहे हैं हमारे जयसिंह जी आड़ा साहब, आपके बीच के अंदर अपन आपके जबरदस्त समर्थन से बुला रहे हैं, बुलाना चाहते हैं। yes! मुंह में क्या होनी चाहिए, पांव में, सीने में, आंखों में, रेडी? yes! ये सब करने के लिए तैयार हैं? yes! ये सब